सोशल मार्केटिंग, हमेशा ये लेकर के चलते हैं। इट रिफर्स टू द डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम दैट सीक्स टू इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सोशल आइडियाज। कुछ सोशल आइडियाज एक्सेप्टेबिलिटीज को लेकर के चलते हैं, राइट? कुछ सोशल आइडियाज एक्टिविटीज को लेकर के चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, स्टे फ्री सैनिटरी पैड्स। एडवर्टीजमेंट हमेशा एक नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा पीरियड्स को। यस, ये एक ऐसी चीज है, देख मेरे भाई, पीरियड्स एक ऐसी चीज है जो कोई सिन नहीं है, मेरी एक बात समझिए। और मैं आज के इस लेक्चर में खुद इस पॉइंट से सोशल एक चीज देना चाहता हूँ। मुझे सिस्टर भी है, मुझे बहन भी, मेरी वाइफ भी है, राइट? और फ्यूचर में मैं चाहूंगा मेरे को एक लड़की भी हो, राइट? सो पॉइंट समझना, अपन इस बारे में कभी बात ही नहीं करते। अपने घर में इस बारे में बात करना एक गलत बात कही जाती है, राइट? लड़कों से तो इस बारे में कभी बात ही नहीं की जाती, लड़के इस बारे में कभी बात ही नहीं करते, बराबर? बट आप देखिए, स्टेफरी का ऐड आएगा या विस्पर का ऐड आएगा, जो सैनिटरी पैड्स यूज किए जाते हैं, राइट? ये हमेशा इस चीज को नॉर्मलाइज करने की बात करेंगे, हमेशा इस चीज को नॉर्मलाइज करने की बात करेंगे। जो हमारे घर में एक ट्रेंड चलता है कि भैया अगर बच्चियां पीरियड्स के अंदर में है तो यू नो वो कोई काम नहीं करेंगी, इधर नहीं जाएंगी, उधर नहीं जाएंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एवरीथिंग, राइट? इस चीज को नॉर्मलाइज करने की बात करते हैं, भैया यूज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड यू नो एंजॉय, डू द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ योर लाइफ। नॉर्मलाइज करने की बात करते हैं, कुछ सोशल आइडियाज को नॉर्मलाइज करने की बात करते हैं। मेरे हिसाब से हमने इस बारे में जरूर बात करनी चाहिए। इट्स अ नॉर्मल फेनोमेनन, ये कोई गलत चीज नहीं है, ये बहुत नॉर्मल फेनोमेनन है, राइट? इनफैक्ट मैं हर लड़के को कहना चाहूंगा, ड्यूरिंग दिस पीरियड्स, राइट, ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब भी आपके मम्मी बोलो, आपके घर में कोई भी लेडी बोलो, जब इस चीज से सफर कर रही है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देम। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट? बिकॉज ये ऐसी चीजें जो उनके हाथ में नहीं है, वी शुड अंडरस्टैंड इट एंड बी सीरियस अबाउट इट। यू नो अगर कोई इसके अंदर में है, आपके सिस्टर बोलो, आपकी मम्मी बोलो, मेक श्योर उस टाइम पर उनको कम से कम दिक्कत आओ, तब जाकर के आप एक अच्छे व्यक्ति का कैरेक्टर निभा पाएंगे, राइट? और आप सोचिए, जब हमारी माँ और बहनें इन तकलीफों से गुजर रही है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि प्लीज उन्हें हेल्प करें उस टाइम पे, उन्हें खाना पानी जिस चीज़ की भी जरूरत पड़े। और आपके घर में अगर उनके साथ इस टाइम पे गलत व्यवहार होते हुए देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ के थोड़ा सा अगेंस्ट में जाएं। जैसे मैंने ये किया था, मेरे सिस्टर के साथ ये हो रहा था। अब यार देखो, पुराने मेंटल जो चीज़ें हैं वो थे, उसको जबरदस्ती नीचे सुला रहे वो कपड़ा देकर के। अभी अपने अपने घरों का अपना अपना होता है, मैं इस बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा, मैं इस बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक ब्रदर भी हूँ और मैं एक सही बॉय नहीं रहूँगा या मैं एक सही लड़का नहीं रहूँगा अगर मैं इस बारे में बात ना करूँ। क्या गलत है इसमें? ये उनके हाथ में थोड़ी ना, और इसमें कुछ गलत नहीं है। और मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा जो आपके नॉलेज में शायद नहीं होगा, अ गर्ल जिसके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, वो आगे अपनी फैमिली नहीं बढ़ा सकती। आप डॉक्टर, आप बड़े होंगे, आपकी शादी होगी, ये बात आपको समझ में आएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप देखते हैं कि आपका फैमिली बढ़ना चाहिए, आप अपनी सिस्टर का फैमिली बढ़ा देना चाहते हैं, आप खुद का भी, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपके घर में कोई भी एक जन भी पीरियड से अंदर में है, यू मेक श्योर कि उनको किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो जितने भी दिन का ये प्रोग्राम होता है। भले आप बात ना करें उनसे, बट आपको चीज़ें तो समझ में आई जाती है बीइंग अ बॉय, राइट? आप उनका टेक केयर करो उस टाइम पे, चुपचाप जो बनता है। इस टाइम पे भयानक मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब कभी एकदम चिड़चिड़ाहट आती है, कभी खुश होता है, कभी खाने का मन करता है, कभी नहीं करता है। ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि उन 4-5 दिन जो भी होंगे हफ्ते महीने के, उस टाइम पे आप सिर्फ सुनने की कैपेसिटी रखें, बोलने की कैपेसिटी, क्योंकि ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है। तो मेरी सिस्टर के साथ ऐसा हो रहा था, वो हमारी दादी का टाइम से चलता आ रहा है, बहुत पुराना टाइम है, कि अगर गर्ल्स पीरियड के अंदर में है तो उसको लेकर के यू नो कपड़े के ऊपर सुला रहे हैं, उसको तकिया नहीं दे रहे हैं, उसको चद्दर भी कोई पतली वाली दे रहे हैं ठंडी के अंदर में, खाना भी उसको ऐसे दूर से थाली प्रोवाइड कर दी जाती है। एक दिन लिटरली मैंने इस चीज़ के ऊपर मेरे घर पर झगड़ा किया, मैंने बोला क्या कर रहे हो यार, लड़की बदल गई है क्या तुम्हारी, कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी लड़की बदल गई है, मतलब जस्ट बिकॉज शी इज इनटू पीरियड तुम उसको थाली ऐसे दे रहे हो जैसे वो अछूत है, खाना ऐसे दे रहे हो, वो अपनी थाली खुद मांझ करके रख रही, क्यों, व्हाई? तुमको अगर अपने घर में वीडियो दिखाना है ना, मेरा कोई ये वीडियो दिखाओ, मैं बोलता हूँ तुमको अगर अपने घर में कोई वीडियो दिखाना ना, ये वीडियो को रिकॉर्ड करो, ये वीडियो को अपने घर पे टीवी पे पेनड्राइव के अंदर में दिखाओ सबके सामने। तुम उसको मुझे एक बात बताइए, ये 5 दिन के पीरियड से आपकी बच्ची की आपकी बच्ची नहीं रही, आप उसको नीचे जमीन पे सुला रहे हो, अरे क्यों? आपको ऐसा लगता है कि गद्दी बहुत महंगी आती है क्या? आपको अगर उसको सही में ही बेड से अलग सुलाना है, गद्दी ला के दे दो यार, वो जमीन पे सुना तो डिजर्व नहीं करती ना आपके घर की बच्ची, आपके घर की बच्ची है यार, आपके घर की बच्ची है, उसको सुलाओ, उसको प्लेट्स, उसकी प्लेट दूसरों को धुलो, मतलब वो लड़की ऑलरेडी पेन में है, तुम उसकी थाली उससे धुलवा रहे, क्या कर रहे हो यार? और जबकि हमारे घर पे मम्मी दादी सबको पता है, पप्पा को भी, कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये अपने हाथ में रहने वाली चीज़ नहीं है। मेक श्योर कि वो तकलीफ जो तुम सहे हो वो क्यों उसके ऊपर दे रहे हो। मैंने इस बात पे झगड़ा किया, एंड यू नो दादी जन ऑल, तुमको नहीं समझता, तुम्हारे काम का मैटर नहीं है, लड़कों की बात नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकलो। मैंने बोला नहीं, ये लड़कों की बात है, ये लड़कों की बात है, कल चल के मेरी भी अगर बच्ची होती है तो ये बात मुझे उसको देखना होगा, मुझे उसको सिखाना होगा, मुझे उसे समझाना होगा। एंड आई हैव टू मेक श्योर कि स्वास्तिक के सामने ऐसी कोई चीज़ आती है बड़े होकर के, उसके स्कूल्स के दौरान बोलो या फिर आगे के दौरान बोलो, मैं चाहता हूँ कि वो ये चीज़ सीख ले कि बॉस इस टाइम पे अगर कभी भी लड़की को तुम इस तरह के सिचुएशन में देखो कभी भी, तो तुम उसकी जाके हेल्प करो। एंड एवरी बॉय हु इज हियर, जब हमें किसी लड़की का मजाक उड़ाते हैं, लड़की की इस बेवरी पे हमें उनके लिए तालियां बजानी चाहिए कि बॉस लड़कियां इतने पेन से गुजरती हैं, और ये उनके हाथ में नहीं है मेरे भाई,
उनके हाथ में रहता, nobody would love to, you know, have these 5 days. Nobody would love to. But इससे उनका भी हेल्थ अच्छा होता और आपका परिवार भी बढ़ता. So every boy who is here, please make sure आप जिस भी लेडी को देखे, आप उसको पहचानते हो नहीं पहचानते हो, बट इन 5 दिनों में आपसे जो मदद बन सकती है, प्लीज़ ये मदद कर दें उनकी. आप बात समझ रहे हैं, प्लीज़ ये मदद कर दें. देखिए, ह्यूमैनिटी कॉस्ट नथिंग, बट हाँ, ये आपको बहुत अच्छा फील होगा. और सी, और दूर दूर भगा, अभी काय को दूर भगा रहे हो यार, उसने क्या गलती करी है, इसमें क्या गलत है? ठीक है, जो चीज़ उसके हाथ में ही नहीं, तुम उसके लिए उसको क्यों परेशान कर रहे हो यार? उल्टा उसको 4 दिन के लिए थोड़ा सा फ्री रखो भैया, तू आराम से रह, तेरा जो कंफर्ट है उसके अंदर में एंजॉय कर. तो सोशल मार्केटिंग, स्टे फ्री, विस्पर बहुत अच्छे से करते हैं. और देख भाई, जब मैं तेरे को है ना 10 आड़ी-तेढ़ी चीज़ सिखाने का पावर रखता हूँ ना, तो मैं तेरे को 10 चीज़ें सही सिखाने का भी हक रखता हूँ. ठीक है, मतलब कई बार ऐसा, यू नो, मैं आपको पिछले के पिछले बैच में बताता हूँ, एक बच्चा आया, एक लड़का आया, यही टॉपिक उठाया था मैंने, यही टॉपिक उठाया था. लड़का, सर आप लेक्चर के अंदर में सर ऐसे कैसे बोल सकते हो, मतलब इन बारे में कैसे बात कर सकते हो? मैंने बोला वाह, क्यों नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं टीचर हूँ तो सही चीज़ सिखाने का हक रखता हूँ. मैं जब गलत चीज़ सिखाने का भी हक रखता हूँ तो मैं सही चीज़ें सिखाने का भी हक रखता हूँ. जब मैं आपसे आड़े टेढ़ी बात कर सकता हूँ तो मैं ये चीज़ ना सिखाऊँ तो मेरे लिए गलत है. मैं यहाँ पे जितनी भी बच्चे हैं, सर रिस्पेक्ट, सर रिस्पेक्ट, अरे इसमें रिस्पेक्ट वाली कोई बात ही नहीं है बेटा, ये एक हर आदमी के समझने वाली चीज़ है, जिसे समझाना चाहिए बचपन से. बट हमारे यहाँ मेंटालिटी ऐसी है जिसे समझाया नहीं जाता. मंदिर नहीं जाओ, पूजा नहीं करो, बिल्कुल सही बात है.